ब्रिटिश सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए एक नई स्कीम लॉन्च करने जा रही है। इसके तहत वे घर जिनमें बिजली पैदा करने के अक्षय स्रोत लगे होंगे, अगर वे अपनी अतिरिक्त बिजली नेशनल ग्रिड में देते हैं तो सरकार उन्हें इसका पैसा चुकाएगी। ब्रिटेन में करीब 8 लाख घरों में सोलर पैनल लगे हैं। इसके चलते जल्द ही नवीकरणीय ऊर्जा परिवारों के पैसे का जरिया भी बन जाएगी। ब्रिटेन के ऊर्जा एवं स्वच्छ विकास मंत्री क्रिस स्किडमोर के मुताबिक ऊर्जा निर्यात की इस योजना के जरिए तय किया जाएगा कि जो भी लोग स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाते हैं उन्हें इसके फायदे मिलें। सरकार की मदद के साथ साथ वे पर्यावरण को भी फायदा पहुंचाएंगे। लोगों को इसके लिए पूरा पेमेंट भी किया जाएगा। दूसरों के काम आएगी अतिरिक्त स्वच्छ ऊर्जा। वहीं ब्रिटेन की बिजली सप्लायर कंपनी ऑक्टोपस के सीईओ ग्रेग जैक्सन ने कहा कि अगर सोलर पैनल और बैटरी वाले कुछ घर बिजली इकट्ठा करने के साथ उसे अगर जरूरत के समय ग्रिड को देते हैं तो शायद इससे आने वाले समय में उन्हें बिजली का बिल चुकाने की जरूरत न पड़े और यह अतिरिक्त बिजली दूसरों के काम में आ जाए। ऊर्जा विभाग के मुताबिक सरकार इस स्कीम को सभी बिजली उत्पादकों के लिए 1 जनवरी 2020 से लागू कर देगी। इसके जरिए ऐसे कोई भी घर जो 5 मेगावाट से ज्यादा अक्षय ऊर्जा पैदा करेंगे वे बिजली कंपनियों को ऊर्जा दे सकेंगे।